जब लोको पायलट की बात आती है तो अमूमन आपके दिमाग में जो इमेज उभरती होगी वो पुरुषों की उभरती होगी, यानी ये ऐसा इलाका है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है, लेकिन इस वर्चस्व को तोड़ने का काम अब महिलाएं कर रही हैं और भारतीय रेलवे का हम कह सकते हैं इसमें अहम योगदान है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही महिला लोको पायलट से मिलाने के लिए और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो ट्रेन चलाती हैं। इस इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये डीजल लोकोमोटिव है, WDM-3A। आइए अब आपको हम अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का इसका केबिन है। ये पुरानी तरह का हम कह सकते हैं लोको है और यहाँ आपने देखा होगा भारतीय रेलवे में इस तरीके के लोको चलते हैं और हमारे साथ लोको पायलट और ALP दोनों मौजूद हैं और ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल इंजन को ड्राइव किया जा रहा है और इसको चलाने का हम कह सकते हैं एक खास प्रोसीजर है, यानी उन सारी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और देखिए किस तरीके से अभी तैयारी की जा रही है कि इसको आगे ले जाया जाए, तो आपको हम इस इंजन की सवारी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इंजन सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चला रही हैं, यानी भारी भरकम मशीन। ये भारी भरकम मशीन है जिसमें खासियत की ये है कि इसको ये डीजल से चलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पैनल है, किस तरीके का ये लोको है और इसने मूवमेंट शुरू कर दिया है। यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, लिहाजा लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट आपस में तालमेल बिठाकर इस इंजन को चलाते हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं और लगातार हॉर्न दिया जा रहा है क्योंकि एक ऐसा एरिया है, ये स्टेशन के पास में है और सिकंदराबाद स्टेशन का ये इलाका है जहाँ पर ये सारी जो गतिविधि है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस प्रोफेशन में आए और उनको ये प्रोफेशन क्यों पसंद है, क्योंकि अगर इस प्रोफेशन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो लोको पायलट आप देखते होंगे वो पुरुष लोको पायलट होते हैं और यहाँ पर जो लोको पायलट हमारे साथ हैं वो महिला लोको पायलट हैं और मालगाड़ियों का संचालन कर रही हैं, यानी मालगाड़ी चलाना आप देखते होंगे, तमाम मालगाड़ियाँ निकलती हैं। यहाँ आसपास के इलाके को देखिए तो यहाँ ट्रेनें आसपास भी आपको नज़र आएंगी और इनका जो तालमेल होता है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ज़रूरी है, चाहे वो लोको पायलट हों या असिस्टेंट लोको पायलट हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को बताते हुए तालमेल बिठाकर वो चलाते हैं। और इस समय अगर हम उनसे पूछें कि क्या क्यों वो इस प्रोफेशन में आए, क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मी देवी लोको पायलट। लक्ष्मी जी कितने दिनों से आप चला रही हैं ट्रेन? सर मैं 15 ईयर्स हो गया। 15 साल हो चुके हैं और 15 साल से आप क्या पैसेंजर गाड़ियां भी चलाती हैं, सिर्फ मालगाड़ियां चलाती हैं? सिर्फ मालगाड़ियां चलाती हूँ। तो सिर्फ मालगाड़ी आप चलाते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनली? सर मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। तो छत्तीसगढ़ से हैं आप, तो यहाँ जब आप सिकंदराबाद में चलाती हैं और इतने लंबे समय से रह रही हैं तो क्या रेलवे के लोगों का सपोर्ट रहता है आपके लिए? जी बहुत सपोर्ट है, मेरे जितने भी सर हैं मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्ट करता है और हमारे ऑफिसर्स हमारे कलग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, निश्चित तौर पर लगातार ट्रैक पर नज़र रखनी पड़ती है और ये नज़र इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप मालगाड़ी लेकर चलते हैं तो ट्रैक की भी सेफ्टी है, साथ ही साथ जो बहुमूल्य माल लेकर चलते हैं उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है और जब भी आप चलते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सिग्नल तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है जिससे परेशानी हो, तो यहाँ वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत आई है अभी? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर क्यों रुकी ट्रेन? हमको बैक जाना है। अच्छा तो यहाँ से इस ट्रेन को अब पीछे ले जाना है तो उसके लिए यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं अदला बदली है और इस इंजन की खासियत है कि एक सीट उधर है तो एक सीट इधर है, यानी दोनों तरफ ये इंजन चल सकता है। तो यहाँ जो लोग हैं वो हमको चला कर दिखा रहे हैं इस इंजन। इसे कैब चेंजिंग बोलते हैं
और ये हमारे को इंस्ट्रक्शन एम हमारा रूल है कि हम जिस साइड से हम ड्राइव करते हैं उस साइड से ही हमको बैठ कर ड्राइव करना है, मतलब हम इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के कैब में हमको ड्राइव करना है। अच्छा लक्ष्मी जी, एक और चीज़ बताइए हमें, जब इस देश में अभी की अगर हम बात करें तो ये पूरा प्रोफेशन अमूमन पुरुष लोग ही चलाते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने वर्चस्व तोड़ने की कोशिश की है, तमाम जो है महिला लोको पायलट में देख रहा हूँ भारतीय रेलवे में बढ़ रही हैं, तो तमाम महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? सर, महिलाओं के लिए तो एक ही संदेश है, उनमें जो शक्ति है वो बहुत अमेजिंग शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकती है इस दुनिया में, ये सारे चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, सारे चैलेंज एक्सेप्ट करके कितना भी टफ से टफ वर्क रहे वो कर सकती हैं। अच्छा, महिलाओं की जब बात होती है तो उनके साथ सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कि परिवार भी देखना है, बच्चों को भी पालना है, और जो अमूमन भारतीय ट्रेंड है उसमें पति के भी नखरे संभालने हैं, तो ये सारी चीज़ें कितना टफ हो जाती हैं। इसलिए तो नारी है, हमको तो इतिहास ने ही इतने पावर दिए हैं कि हम सब संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं वो सब संभाल सकती हैं, और वाकई अगर हम भारत की बात करें तो जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, और हमारे साथ हम कह सकते हैं एलपी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? तनुजा। तो तनुजा जी, आप कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में आपको? 5 साल हो गया सर, 5 ईयर्स, इट्स बिन 5 ईयर्स। तो आपने सोचा था कि आप लोको पायलट बनेंगी या ट्रेन चलाएंगी? नो सर, आईडिया। तो कैसे आ गए इसमें? आई ट्राइड कपल ऑफ एग्जाम्स सर, इवन SBI बैंक एग्जाम्स, एवरी एग्जाम्स आई रोट मेनी एग्जाम्स, इन दैट आई गॉट दिस वन फर्स्ट एंड आई ऑप्टेड दिस वन बिकॉज दिस वॉज एन चैलेंजिंग जॉब। ये चैलेंजिंग जॉब है और आपने ये चैलेंज ले लिया ना सर, ऑलरेडी वी आर डूइंग। सबसे पहले तो मालगाड़ियाँ चलाने को मिलती हैं आपको, और उसके बाद आपका जब स्कोर अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर आप टेस्ट देते हैं, उसके बाद जो है पैसेंजर गाड़ियाँ मिलती हैं, तो आपको लग रहा है जल्दी पैसेंजर गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा? श्योर सर, पक्का आई विल गेट दैट, इफ अपॉर्चुनिटी आई विल गेट मींस आई विल डू इट। ट्रेन को चलाने में चैलेंजेस क्या हैं महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो क्या चैलेंजेस हैं? वी हैव टू वर्क फॉर 24/7 एंड मेंटली वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग सर, वॉट एवर मे बी द जॉब, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। इफ़ यू आर टेकिंग दैट इन अ नेगेटिव वे, आई कांट हैंडल दैट सिचुएशन मीन्स वी कांट डू एनीथिंग, एनीवेयर वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। आपका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आप कहाँ से, आपने जो है स्कूलिंग की है, किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, उसके बाद आप हैदराबाद आ गए या सिकंदराबाद आ गए, क्या कहेंगे थोड़ा बताइए अपने बारे में तमाम लोगों को। बेसिकली आई एम फ्रॉम AP सर, आई एम फ्रॉम विजयनगरम एंड आई डिड माई स्कूलिंग ओवर देयर ओनली, आफ्टर दैट आई केम टू हैदराबाद इन आई थिंक इन फॉर BTech आई केम हियर, आई गॉट सीट हियर इन हैदराबाद एंड आफ्टर दैट आई डिड माई MTech ऑल्सो हियर, I worked for a couple of organizations as a faculty and I did in media also in All India Radio 101.9 FM. I wrote many exams, I got this one first, I opted this one because this is Indian Railways. ये Indian Railway है, आप चेहरे की खुशी देख सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि मीडिया पर्सन भी रह चुकी हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है क्योंकि देश की तमाम महिलाएँ हैं जो उस तरीके की चीज़ों को तोड़ना चाहती हैं, ट्रेडिशंस को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश है? वॉट एवर मे बी द बैरियर्स सर, वी आर फ्रॉम बैकग्राउंड, वी आर फ्रॉम विलेजेस और मंडल्स, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, वॉट एवर मे बी द बैरियर्स, वी हैव टू ब्रेक इट। आई एम फ्रॉम विजयनगरम, इट डजेंट मीन दैट आई हैव टू सिट देयर ओनली, आई हैव टू कुक एंड वॉट एवर यू सेड, वुमेन एम्पावरमेंट राइट नाउ, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू स्टेप अहेड so that only we can be inspiration to remaining people whoever there in my village also in my city AP and Telangana first of all, and finally I'm an Indian, I'm serving my country, I'm so proud of it. आपको ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेहरे की खुशी है वो इसलिए है क्योंकि भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे जिस तरीके से बढ़ावा देती है महिलाओं को, खासतौर पर एक परिवार की तरह उनको रखा जाता है,
और उनको तमाम सहूलियत देने की भी कोशिश की जाती है कि कहीं उनको परेशानी ना हो। और ख़ास तौर पर जेंडर इक्वलिटी की बात तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे उसको करके दिखा रही है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, सिकंदराबाद।